हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू स्वातिस क्लासेस। आज हम देखेंगे थर्ड स्टैंडर्ड का ईवीएस लेसन नंबर 4, डायरेक्शंस एंड मैप्स। तो देखिए स्टूडेंट, इस लेसन में आज हम देखने वाले हैं कि डायरेक्शंस कौन सी होती है, उनके नाम हम देखेंगे, और मैप्स में डायरेक्शन किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं वो भी हम देखेंगे। तो स्टूडेंट, लेसन को स्टार्ट करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अभी हम स्टार्ट करते हैं हमारे लेसन को। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक पिक्चर दिया है जो कि क्लासरूम का है, और यहाँ पे आपको ट्राई दिस मीन्स एक्टिविटी दी है। स्टैंड इन टू इक्वल रोज इन द क्लासरूम फेसिंग ईच अदर, नाउ टेल द गर्ल और बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। तो यहाँ पे आपको जैसे कि ये बच्चे दिख रहे हैं किस तरीके से खड़े हैं, फेसिंग ईच अदर, मतलब देखिए इस जो फर्स्ट बॉय है उसका फेस उस तरफ है, तो ये गर्ल जो है उसका फेस इस तरफ, एक दूसरे के सामने फेस करके वो रो में खड़े हुए हैं। तो उनको अभी क्वेश्चन करने हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ यू इज द ब्लैक बोर्ड, कि अभी अगर हम यहाँ पे क्वेश्चन करेंगे कि कौन से साइड में जो है ब्लैक बोर्ड है, तो अगर ये फर्स्ट जो बॉय है ये क्या बताएगा कि कौन सी तरफ है, तो यहाँ पे उसका कौन सा हैंड आएगा, लेफ्ट हैंड आएगा, तो वो कहेगा कि मेरे लेफ्ट हैंड साइड में ब्लैक बोर्ड है। अगर हम सेकंड गर्ल को कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड कौन सी साइड में, तो वो क्या कहेगी कि मेरे राइट साइड में ब्लैक बोर्ड है, क्योंकि उनके जो फेस है दूसरी तरफ है, एक एग्जैक्टली क्या है, अपोजिट साइड में है। तो अगर बॉय का ये लेफ्ट साइड आता है तो गर्ल का कौन सा साइड आएगा, राइट साइड आएगा। सेकेंड क्वेश्चन है, ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द मेन डोर ऑफ द क्लासरूम, अगर क्लासरूम कहाँ पे है ऐसे अगर हम पूछते हैं, तो ये थर्ड गर्ल है, अगर इसको अगर हम कहेंगे कि मेन डोर कौन सी तरफ है, तो वो कहेगी कि मेरे फ्रंट साइड में क्या है, यहाँ पे मेन डोर है। अगर हम इस जो फोर्थ बॉय है इसे अगर हम कहेंगे, वो क्या कहेगा कि मेरे बिहाइंड, मेरे पीछे क्या है, मेन डोर है। तो यहाँ पे आपको समझ में आ रहा है कि हर किसी का आंसर क्या होगा, अलग होगा। जो कि इस तरफ फेस करके खड़े हैं उनके आंसर अलग हो गए, और यहाँ पे जो फेस करके खड़े हैं उनके आंसर अलग हो गए, क्योंकि उनके डायरेक्शन अलग है। यहाँ पे ऑन विच साइड ऑफ यू इज़ द टीचर्स टेबल, और टीचर्स का जो टेबल है वो कौन से साइड में, तो अगेन कुछ बच्चे यहाँ पे कहेंगे कि लेफ्ट साइड में है। अगर ये वाले जो बच्चे हैं ये क्या कहेंगे कि लेफ्ट साइड में है टेबल, एंड जो बाकी बचे हुए बच्चे हैं वो क्या कहेंगे कि राइट साइड में। तो यहाँ पे आंसर क्या मिल रहा है हमें, अलग अलग मिल रहे हैं। यू आंसर एंड द आंसर ऑफ द गर्ल बॉय इन फ्रंट ऑफ यू आर डिफरेंट, कि यहाँ पे जैसे कि गर्ल जो बॉय यहाँ पे खड़े हुए उनके आंसर क्या आएंगे, अलग अलग आएंगे। वाई इज़ इट सो, ऐसा क्यों होगा, इफ द ब्लैक बोर्ड इज़ टू योर राइट इट विल बी टू द लेफ्ट ऑफ द गर्ल और बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, इफ द ब्लैक बोर्ड इज़ बिहाइंड यू इट विल बी इन फ्रंट ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू। तो जैसे कि हमने अभी देखा कि एक के लेफ्ट साइड में जो चीज़ आएगी वो दूसरे के राइट साइड में आ सकती है। इन द सेम वे योर आंसर अबाउट द मेन डोर एंड द टीचर्स टेबल विल ऑल्सो बी डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द गर्ल बॉय फेसिंग यू। तो जैसे कि हमने टेबल का भी एग्जाम्पल देखा कि कुछ बच्चे कहेंगे हमारे लेफ्ट साइड में, कुछ कहेंगे राइट साइड में। इट इज़ डिफिकल्ट टू मेक आउट द लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट बेस्ड ऑन आंसर लाइक ऑन द राइट, ऑन द लेफ्ट, इन फ्रंट ऑफ एंड बिहाइंड। देयरफॉर इन ऑर्डर टू टेल एग्जैक्टली वेयर एन ऑब्जेक्ट इज लोकेटेड वी यूज डायरेक्शंस। तो यहाँ पे जो हमें लेफ्ट राइट या फिर बिहाइंड फ्रंट ऐसे कहेंगे तो आंसर हर किसी का क्या आएगा, अलग आएगा। तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं। तो डायरेक्शंस कौन सी होती है, तो देखिए यहाँ पे हम आगे देखने वाले हैं कि डायरेक्शंस के नाम कौन से होते हैं, जिनसे हमें हेल्प होगी कि हमें इजीली समझ में आएगा कि कौन सी चीज़ कौन से डायरेक्शन में है। हम हर चीज़ को लेफ्ट है राइट है ऐसे नहीं कह सकते हैं कि हम कहाँ पे बैठे हैं, ये भी चीज़ वहाँ पे क्या होगी, देखी जाएगी कि हमारे राइट में आती है वो चीज़ दूसरे के लेफ्ट साइड में भी आ सकती है। तो इसीलिए हम कुछ डायरेक्शंस को यूज़ करते हैं जिनके नाम हमें यहाँ पे देखने हैं। ट्राई दिस, आपको अगेन एक्टिविटी दी है। नाउ वी विल यूज़ डायरेक्शन टू फाइंड द आंसर टू द सेम क्वेश्चन, तो सेम क्वेश्चन का हमारा आंसर सबका एक साथ कैसे आएगा, जब हम डायरेक्शंस को यूज़ करेंगे। विथ योर टीचर्स हेल्प राइट द नेम्स ऑफ द फोर मेन डायरेक्शन ऑन द वॉल्स ऑफ योर क्लासरूम, तो टीचर की हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरीके से डायरेक्शन के जो नाम है वो वॉल पे लगा सकते हैं, वेस्ट है, नॉर्थ, ईस्ट, और यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो वॉल नहीं दिखाई है वहाँ पे कौन सी आएगी डायरेक्शन, तो यहाँ पे आएगी साउथ डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप डायरेक्शन के नाम लिख सकते हो वॉल के ऊपर। नाउ स्टैंड फेसिंग ईच अदर अगेन, टेल ईच अदर द डायरेक्शन इन विच द ब्लैक बोर्ड मेन डोर एंड टीचर्स टेबल आर लोकेटेड। अभी देखिए, अगर हम ये फर्स्ट बॉय को कहेंगे कि ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में है या फिर कौन से डायरेक्शन में, तो क्या आंसर देगा कि
वेस्ट में है। सेकंड गर्ल को अगर हम पूछेंगे कि कहाँ पे है ब्लैक बोर्ड, तो वो भी क्या आंसर देगी कि वेस्ट में है, क्योंकि जो डायरेक्शन है उसको नाम ही दे दिया गया है कि वेस्ट है। अगर हम थर्ड गर्ल को भी पूछेंगे कि ब्लैक बोर्ड कौन से साइड में, तो क्या आंसर देगी कि वेस्ट में है। तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा कि डायरेक्शन को हमने नाम दिए है, जिसके कारण हमारा आंसर भी क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। Now your answer and the answer of the girl boy facing you will be the same. Directions can be used to tell exactly where an object is located. तो जैसे हमने पहले देखा था कि left, right, आगे पीछे, ये हमारे answer नहीं हो सकते हैं। अगर हम यहाँ पे particular नाम use कर रहे हैं direction के लिए, तो हमारा answer same आएगा। अगर यहाँ पे पूछा जाएगा कि जो main door है कौन से side में, तो ये सारे बच्चे क्या करेंगे, answer क्या देंगे कि north side में main door है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ समझनी है कि directions के जो नाम होते हैं, ये इसलिए हमें काम आते हैं। अगर कोई भी चीज़ हमें दिखानी है कौन से डायरेक्शन में, तो उनके नाम हमें पता होने चाहिए। अभी ये नाम आप कैसे याद करोगे, या फिर आपको कैसे पता चलेगा कि ईस्ट साइड कौन सी है, साउथ साइड कौन सी है, तो उसके लिए भी आपको यहाँ पे दिया है। जो अगर आप याद रखोगे, तो आपको कभी भी कोई भी डायरेक्शन पता होनी चाहिए, या फिर कोई आपको पूछेगा कोई भी डायरेक्शन, तो आपको इजीली आ जाएगी। लेट अस लर्न हाउ टू फाइंड द डायरेक्शन, कि किस तरीके से हम फाइंड करेंगे डायरेक्शन। द फोर मेन डायरेक्शंस आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। हाउ डू वी फाइंड देम, कैसे हम उनको फाइंड आउट करेंगे। द डायरेक्शन इन विच द सन राइजेस इज द ईस्ट। तो आपको ये चीज़ हमेशा याद रखनी है कि सन राइज होता है, मीन्स सन जहाँ से उगता है, सूरज हमें जिस साइड से उगता हुआ दिखता है, वो साइड होती है ईस्ट। द डायरेक्शन इन विच द सनसेट इन इज द वेस्ट। और सनसेट जहाँ पे होता है, मीन्स सूरज जहाँ पे डूबता है, वो साइड होती है वेस्ट। तो इजीली आपको समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे ये बॉय अगर खड़ा है, उसने फेस किया है सूरज की तरफ, जहाँ से सूरज उग रहा है, तो वो कौन सी साइड होगी, तो ईस्ट होगी। इसके एग्जैक्टली अपोजिट हम कह सकते हैं, या फिर सूरज जिस साइड में डूबेगा वो साइड होगी वेस्ट। अभी दो डायरेक्शन आपको इजीली यहाँ पे समझ में आ गई कि जो सूरज जहाँ से उगेगा वो साइड होती है ईस्ट, उसके एग्जैक्टली अपोजिट होगी वेस्ट। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर, इफ़ यू स्टैंड फेसिंग ईस्ट द वेस्ट इज़ बिहाइंड अस। अगर हम ईस्ट की तरफ फेस करके खड़े रहेंगे, तो एग्जैक्टली हमारे पीछे वाली साइड कौन सी होगी, वेस्ट होगी। अभी नॉर्थ एंड साउथ कैसे समझ में आएगा, अगर हम राइट साइड में देखेंगे कि हमारे राइट साइड में कौन सी साइड आएगी, साउथ डायरेक्शन आएगी, और लेफ्ट साइड में हमारी कौन सी आएगी, नॉर्थ डायरेक्शन आएगी। तो काफ़ी इजी है स्टूडेंट, अगर आप घर पे करके देखोगे तो आपको इजीली ये समझ में आएगा कि जब सूरज निकलता है सुबह के टाइम, आपको घर से बाहर निकलो आप थोड़ा सा, या फिर घर पे ही आपको देखना है कि सूरज कौन से डायरेक्शन से निकल रहा है, तो वहाँ पे आप फेस करके खड़े हो जाइए, तो वो होगी साइड आपकी ईस्ट। आपके एग्जैक्टली पीछे वाली साइड होगी आपकी वेस्ट। आपका राइट हैंड जिस तरफ होगा वो साइड होगी साउथ, एंड आपका लेफ्ट हैंड जिस तरफ होगा वो साइड होगी नॉर्थ। तो ऐसे कहीं पर भी आप खड़े हो जाओगे, तो आपको इजीली समझ में आएगा कि डायरेक्शन के कौन से नाम हैं, और फाइंड आउट कर सकते हो इजीली। फ्रेम दिस, तो यहाँ पे अगेन एक्टिविटी दी है। अ लार्ज फ्रेम इज गिवन बिलो, योर हाउस इज एट द सेंटर ऑफ द फ्रेम, द फ्रेम हैज़ अ येलो स्ट्रिप ऑन ईच ऑफ इट्स फोर साइड्स फॉर राइटिंग द डायरेक्शन। तो देखिए आपको यहाँ पे फ्रेम दी हुई है, और एक हाउस का पिक्चर भी आपको दिया है, और फोर आपको स्ट्रिप्स दिए हुए हैं हर एक डायरेक्शन में। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रॉपर जो डायरेक्शन के नाम है उनको लिखना है। ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डज द सन राइज, दैट साइड इज द ईस्ट। इन द येलो स्ट्रिप ऑन द साइड ऑफ हाउस वेयर द सन राइजेस राइट ईस्ट। तो देखिए आपका घर जैसे है, आपके घर में कहाँ से सन राइज होता है, वो साइड को आपको क्या करना होगा, ईस्ट करना होगा। देखिए अगर सपोज यहाँ पे ये जो घर है, अगर हम कहेंगे कि इस साइड से जो है सूरज उगता है, या फिर सन राइज होता है, तो हमारी ईस्ट साइड कौन सी आएगी, तो ये वाली साइड आएगी हमारी ईस्ट। और इसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन सी साइड आएगी, वेस्ट आएगी। अगर हम यहाँ पे फेस करके खड़े रहेंगे, तो हमारी राइट साइड कौन सी आएगी, ये हमारी राइट साइड आएगी। तो ये आएगी डायरेक्शन कौन सी, साउथ। जैसे हमने देखा था कि राइट हैंड में जो हमारी साइड होती है वो कौन सी होगी, साउथ होगी, और लेफ्ट साइड जो होगी वो डायरेक्शन कौन सी होगी, हमारी नॉर्थ होगी। तो यहाँ पे हम लिखेंगे एन मीन्स नॉर्थ। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, आपके घर के अकॉर्डिंग आपको देखना है कि कौन से तरफ से सनराइज होता है, तो वहाँ पे ईस्ट लिखिए, और बाकी के डायरेक्शन जो है आप इजीली लिख सकते हो। नेक्स्ट आपको दिया है, इन द फ्रेम शो द फॉलोइंग थिंग्स नियर योर हाउस इन द राइट प्लेसेस। आपके घर के अराउंड जो चीज़ें हैं उनको आपको यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे कि नेबरिंग हाउसेस है, शॉप है, ट्री, या फिर रोड जो होते हैं, बस स्टॉप, आपको क्या करना है यहाँ पे ड्रॉ करना है। कि फॉर एग्जांपल आपने कहीं यहाँ पे एक छोटा सा घर बना दिया,
यहाँ पे रोड को ड्रॉ कर दिया इस तरीके से, रोड आप ड्रॉ कर सकते हो, उसके बाद ट्री को ड्रॉ कर सकते हो, शॉप को ड्रॉ कर सकते हो। नेक्स्ट पेज पे हमें दिया है डू यू नो में, द सन राइजेस एंड सेट्स एवरी डे, दैट इज़ वाई द सन इज़ यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन। डायरेक्शन को डिटरमाइन करने के लिए हम सन को यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं या फिर क्यों देखते हैं कि सन कहाँ पे राइज होता है, कहाँ पे सेट होता है, क्योंकि सन रोज़ ही राइज होने वाला है, रोज़ ही सेट होने वाला है, तो इससे हमें ईजीली समझ में आ जाते हैं डायरेक्शन, तो इसके लिए यूज़ किया जाता है। सेकेंड है द मैग्नेटिक नीडल इन अ कंपास ऑलवेज लाइज इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, आस्क योर टीचर और पेरेंट्स टू शो इट टू यू। तो घर पे तो हमें कंपास नहीं मिलेगा इस तरीके का, लेकिन स्कूल में ज़रूर मिल सकता है। तो इस तरीके का कंपास होता है जिसमें जो नीडल्स आपको दिख रहे हैं ये हमेशा डायरेक्शन कौन सा दिखाते हैं, नॉर्थ साउथ। तो अगर हमें डायरेक्शन पता नहीं है या फिर हम कहीं पे बाहर जाते हैं जहाँ पे हमें कुछ चीज़ें पता नहीं है, तो कंपास को यूज़ किया जाता है कि जिससे हमें ईजिली नॉर्थ साउथ डायरेक्शन समझ में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमें दिया है व्हाट्स द सॉल्यूशन, सई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, कैन यू हेल्प देम, तो क्या हम उनकी मदद कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमें जो भी ड्रॉ करके दिया है उसे देखकर ही हमें उनके प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। जैसे कि फर्स्ट हमें यहाँ पे दिया है इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क, तो देखिए ईस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, यूज दैट टू राइट द अदर थ्री डायरेक्शन इन द येलो बॉक्सेस। तो अभी हम क्या करेंगे, पहले डायरेक्शंस लिखेंगे, तो ईस्ट दिया हुआ है तो इसके एग्जैक्टली अपोजिट कौन सी डायरेक्शन आएगी, तो वेस्ट आएगी। अगर हम ईस्ट की तरफ इस तरफ फेस करके खड़े रहेंगे तो राइट साइड हमारी ये आएगी जहाँ पे हम लिखेंगे साउथ, और लेफ्ट हैंड हमारा ये आएगा जहाँ पे हमारी साइड आएगी नॉर्थ। तो ये डायरेक्शंस हो गए हमारे। नेक्स्ट हमें दिया है इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू द बस स्टॉप, तो कौन से यहाँ पे हमें ट्रैवल करना है अगर आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप। तो आइसक्रीम शॉप आपको कहाँ पे दिख रहा है, ये है हमारा आइसक्रीम शॉप। तो यहाँ से हम बस स्टॉप के लिए निकलेंगे इस डायरेक्शन में, तो कौन सा डायरेक्शन आपको दिखाई दे रहा है, वेस्ट टू ईस्ट। तो क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, वेस्ट है, ये डायरेक्शन कौन सी है, ईस्ट है। तो यहाँ से हम अगर यहाँ तक आते हैं तो ये वेस्ट टू ईस्ट होगा। नेक्स्ट है फिर से डायरेक्शन लिख लेंगे हम यहाँ पे, तो आपको ईजिली समझ में आएगा। नेक्स्ट है आमिर वांट्स टू गो टू द आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक, तो आमिर कहाँ पे दिख रहा है आपको, यहाँ पे है, उसे आइसक्रीम शॉप में जाना है, तो वो इस तरीके से जाएगा। तो कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, तो ये कौन सा डायरेक्शन है, ईस्ट, ईस्ट टू वेस्ट जाएगा। नेक्स्ट है सारा वांट्स टू गो टू द बस स्टॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट शी गो, तो सारा जो है यहाँ पर है उसे जाना है बस स्टॉप की तरफ, तो वो जाएगी इस तरफ, तो कौन सा डायरेक्शन दिख रहा है, साउथ टू द नॉर्थ। तो देखिए स्टूडेंट ऐसे जो है आपको इजीली समझ में आए जाएंगे डायरेक्शंस। लेट्स प्ले अ गेम, तो यहाँ पे एक गेम है जो कि आप घर पे या फिर आपके फ्रेंड्स के साथ खेल सकते हो। डिटरमाइन द ईस्ट विथ रिस्पेक्ट टू योर प्लेस, व्हाट आर द थिंग्स सिचुएटेड इन ईच ऑफ द डायरेक्शंस, नाउ मूव अराउंड इन अ सर्कल, व्हेन द ग्रुप लीडर नेम अ डायरेक्शन क्विकली स्टैंड फेसिंग दैट डायरेक्शन एंड दोज हु आर रॉन्ग आर आउट। तो ऐसे गेम आप खेल सकते हो, अगर आपके फ्रेंड बैठे हुए तो आप कह सकते हो कि हमारे ईस्ट में कौन से चीज़ें रखी हुई है, या फिर सर्कल में मूव हो सकते हो और उसके बाद जो लीडर रहेगा एक कोई भी, वो किसी भी डायरेक्शन का अगर नाम लेता है, अगर उसने कहा कि वेस्ट, तो सारे बच्चे क्या करेंगे, वेस्ट की तरफ फेस करके खड़े रहेंगे। अगर जो बच्चा यहाँ पे रॉन्ग हो जाता है वो अगर ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो जाएगा तो वो क्या होगा, आउट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्ले कर सकते हो, गेम खेल सकते हो। यूज़ ऑफ डायरेक्शन इन मैप्स, कि मैप्स में हम लोग डायरेक्शन कैसे यूज़ करते हैं। इन अ मैप डायरेक्शंस आर ऑलवेज शोन, दे आर इंडिकेटेड विद द हेल्प ऑफ एन एरो पॉइंटेड नॉर्थ। तो अगर आपने कभी देखा होगा मैप में तो हमेशा जो है नॉर्थ डायरेक्शन ही दिखाई देती है, और इस तरीके से दिखाया जाता है डायरेक्शन। द डायरेक्शन ऑन द मैप हैव टू बी मैच विद द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड बिफोर रीडिंग द मैप। तो मैप आपको रीड करने से पहले, मैप क्या होता है, फ्लैट होता है, जिसे हम ग्राउंड से क्या कर सकते हैं, पैरेलल रख सकते हैं, नीचे रख सकते हैं। तो पहले आपको डायरेक्शन मैच करनी होती है कि जो ईस्ट की तरफ साइड होगी उसे पहले मैच करना है, और यहाँ पे मैप में हमें नॉर्थ साइड दी होती है तो पहले नॉर्थ की तरफ हम करेंगे तो ईजिली सारे डायरेक्शन मैप से मैच हो जाती है। दैट इज़ द मैप मस्ट बी अलाइन विद द डायरेक्शन ऑन द ग्राउंड, तो ऐसे हमें वो हेल्प कर सकता है। कैसे, देखिए आगे भी आपको दिया है, फॉर एग्जाम्पल द ईस्ट ऑन द मैप मस्ट बी मैच टू द ईस्ट ऑफ यूर सराउंडिंग। क्या आप क्या कर सकते हो, घर के बाहर इस तरीके से मैप लेकर बैठोगे तो आपको करना क्या है कि जहाँ पे सूरज उगता हुआ दिख रहा है वो साइड हम क्या करेंगे, ईस्ट, क्योंकि हमें नॉर्थ साइड यहाँ पे ऑलरेडी मैप में दी होती है, और नॉर्थ साइड कहाँ पे होती है, हमारे लेफ्ट साइड में। अगर हम सूरज की तरफ फेस करेंगे तो उसके बाद हमें पता चलेगा कि लेफ्ट साइड हमारी नॉर्थ आएगी, राइट साइड हमारी साउथ आएगी, तो सामने की साइड जो है वो रहेगी ईस्ट और ये रहेगी वेस्ट।
तो इस तरीके से कोई भी जो मैप है उसको अगर आप ज़मीन के ऊपर रख दोगे और देखोगे कि सनराइज़ कहाँ से हो रहा है, तो इस तरीके से चारों साइड आपको समझ में आ जाएगी मैप के ऊपर। बाय डूइंग दिस यू कैन टेल एट वंस द डायरेक्शन ऑन द प्लेसेस शोन ऑन ए मैप। यूज़ दिस मेथड वाइल रीडिंग द मैप इन योर टेक्स्ट बुक टू। आपके टेक्स्ट बुक में भी कुछ मैप्स होते हैं तो उनको भी इस तरीके से आप रख के क्या कर सकते हो, डायरेक्शंस को समझ सकते हो। यूज़ योर ब्रेन पावर, स्टैंड फेसिंग द राइजिंग सन, इन विच डायरेक्शन इज़ योर राइट ईयर, इन विच डायरेक्शन इज़ योर लेफ्ट ईयर। तो ये काफ़ी ईजी है। अगेन आपको यहाँ पे डायरेक्शन ही बतानी है कि राइट ईयर कौन से साइड में आता है एंड लेफ्ट ईयर कौन से साइड में आता है। इन विच डायरेक्शन विल यू शैडो फॉल एट सनसेट। जब सनसेट होता है तो उस टाइम आपकी शैडो कौन से डायरेक्शन में होगी। तो ये छोटी सी एक्टिविटी है जो आप कर सकते हो और आपको ईजिली आंसर भी मिल जाएगा। तो देखिए स्टूडेंट, लेसन अभी भी बाकी है, लेकिन लेसन का जो रिमेनिंग पार्ट है उसे हम देखेंगे सेकेंड पार्ट में। तो सेकेंड पार्ट को भी ज़रूर देखिए, और आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक भी कीजिए, और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिए, उसे जो आने वाली वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाएगा।